हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ग्रीन आई मेकअप विद वाइट येलो आईलाइनर मेकअप ट्यूटोरियल की स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर लिया है और उसे आई क्रीज पर अप्लाई किया है। फिर एक शेड डार्क कलर लेके मैंने यहाँ पे पहले आउटर कॉर्नर में एप्लीकेशन की है, फिर जो एक्स्ट्रा कलर ब्रश में था उसे क्रीज पे ब्लेंड किया है। अभी डार्क ब्राउन कलर लेके सेम पहले आउटर कॉर्नर में अप्लाई किया है, फिर क्रीज में और अच्छे से ब्लेंड किया है। अभी क्रीज को कट करेंगे ताकि एक शार्प लुक आए। यहाँ पे मैं आइवरी शेड यूज कर रही हूँ सुप्रा की। अभी ग्रीन टिंट लिया है और उसे इनर कॉर्नर में अप्लाई करेंगे। एक शेड डार्क ग्रीन कलर लेके इनर कॉर्नर को एनहांस करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने दूसरी आई शेडो पैलेट में से ग्रीन कलर लिया है एंड उसे मिड एरिया में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आउटर कॉर्नर पर डार्केस्ट ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। सेम कलर को लेके आउटर कॉर्नर को थोड़ा और डार्क करेंगे। अभी मैं यूज कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर और आप यहाँ पे कोई भी आईलाइनर यूज कर सकते हैं। जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेम कलर की ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सेम कलर की या फिर गोल्डन कलर की भी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आपकी आईज़ बहुत अच्छी लगेंगी। नेक्स्ट लोअर आई में जो डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया था वो यूज़ कर रही हूँ।
और इसे लाइट ग्रीन कलर के साथ मैं मर्ज कर रही हूँ। अभी मैं आई क्रीज को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल आईलाइनर। इसे मैंने एक स्पैचुला में निकाल लिया है और थिन आईलाइनर ब्रश से एप्लीकेशन करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे ग्लिटर लाइनर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नोज को कंटूर करेंगे देन हाईलाइट करेंगे। लास्ट में आईलैशेस अप्लाई करेंगे और इस आई लुक को कंप्लीट करेंगे। एंड ये रही आज की फाइनल आई लुक। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।